नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के जितने भी छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहां एनालिसिस करने वाले हैं। क्लियर है, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ रहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और वीडियोस के नोटिफिकेशन भी अगर नहीं मिलता है तो वहां आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, अगर आप करंट अफेयर्स से रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स को डिस्कस किया था उसके आधार पर आज आपसे एक ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ, जिसका जवाब आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक, क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा पुलिस अकादमी चंदखुरी का नामकरण किया गया है, यानी कि चंदखुरी में जो आपका पुलिस अकादमी था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्लियर है। चलिए इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पहला, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं बल्कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नक्सलिज्म से रिलेटेड आपका मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसे में डायरेक्ट पूछा जाए या फिर अदर सब्जेक्ट में पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाता है। बहुत चांसेस रहते हैं कि यहां से एक क्वेश्चन पूछे। तो वैल्यू एडिशन के तौर पर यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो बहुत काम आने वाले हैं। हाल ही में रिसेंटली में सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक नया जिला को छत्तीसगढ़ का नक्सली जिला क्षेत्र घोषित किया गया है, उस जिले का नाम है मुंगेली। तो वन डे एग्जाम के लिए सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला को जो है नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया है। इसके अलावा बालोद जो जिला है छत्तीसगढ़ का, वो पहले से नक्सल प्रभावित जिला था, उसे अब इस सूची से बाहर निकाल दिया गया है। यानी कि पहले भी छत्तीसगढ़ के 14 जिले नक्सल प्रभावित जिले थे और अभी भी 14 जिले ही नक्सल प्रभावित जिले हैं, बस मुंगेली को जोड़ा गया है और बालोद को उस सूची से बाहर कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ का जो मुंगेली जिला है वो 1 जुलाई से नक्सल प्रभावित जिला कहलाएगा। और खास बात यह है कि मुंगेली जिले की जो सीमा है मध्य प्रदेश से मिलती है, और मध्य प्रदेश में एक डिंडौरी जिला है वो भी नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया। पिछले कुछ समय से खासकर मुंगेली जिला में जो है नक्सल एक्टिविटीज काफी वहां पर देखने को मिल रहे थे, इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुंगेली जिला को जो है नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। एक बात यहां पर समझिएगा, जब किसी जिला या फिर किसी क्षेत्र को नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं या फिर उस जिले पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर किसी जिले को नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो उस जिले को अलग से फंड प्रोवाइड कराया जाता है, उस जिले में जितने भी पुलिस कर्मी होते हैं उनको अलग से भत्ता दिया जाता है। ये सारा कार्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के देखरेख में होता है। ठीक है, और यहाँ पर विशेष जो है प्रोटेक्शन भी मिलता है, जैसे सीआरपीएफ आपको पता है, इनके स्पेशल बटालियन यहाँ पर गठित किया जाता है, और इस एरिया में रहने वाले जितने भी फोर्सेस काम करते हैं वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में कार्य करने वाले कहलाते हैं और उनको अलग से भत्ता प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कि अलग से कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो भी जिला नक्सली प्रभावित क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर की सूची में आते हैं, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड वहां पर अतिरिक्त खर्च किया जाता है, इसीलिए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के श्रेणी में आते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 जिले जो हैं सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिले के सूची में हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों की अगर हम सूची देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 14 है, बस्तर संभाग का जो 7 जिला है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, और सबसे ज्यादा बस्तर जिला ही जो है आपका लाल आतंक यानी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र अभी तक छत्तीसगढ़ में माना जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपका बस्तर संभाग का 7 जिला आ जाता है, इसके अलावा राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और बलरामपुर और कवर्धा, और इसके अलावा मुंगेली, ये छत्तीसगढ़ के 14 नक्सली प्रभावित जिले हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पूरे देश भर में सबसे ज्यादा नक्सली प्रभावित राज्यों की सूची में कौन सा राज्य अव्वल है या फिर कौन से क्षेत्र में नक्सल सबसे ज्यादा पैर पसारे हुए हैं। तो यहां पर आपको 3 पॉइंट दिखेगा, हाई अफेक्टेड, इसके अलावा
मॉडरेटली अफेक्टेड और मार्जिनल अफेक्टेड, यानी कि थोड़ा बहुत जहां पर है। तो यहां पर जितने भी रेड मार्जिनल वाले आपको स्टेट दिख रहे हैं, ये हाईली अफेक्टेड है, यानी कि यहां पर नक्सल प्रभावित एरिया जो है बहुत आप कह सकते हो कि प्रभावी है। जैसे आप यहां पर देखोगे तो आपको मिलेगा बिहार का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, झारखंड का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा मिल जाएगा और तेलंगाना का कुछ हिस्सा ऐसा मिलेगा जहां पर हाईली अफेक्टेड नक्सली क्षेत्र है। तो आप इसके अलावा अगर लाइट येलो में देखोगे तो यहां पर ये आपका राजस्थान का साउथ का एरिया कुछ मिलेगा, उत्तराखंड का कुछ एरिया मिलेगा। तो इस तरह से इस मैप के जरिए आप यहां पर एनालिसिस कर सकते हो या वैल्यू एडिशन के तौर पे यहां पर इसके पॉइंट उठा सकते हो कि कौन सा स्टेट जो है हाईली अफेक्टेड है। तो हाईली अफेक्टेड में मुख्य रूप से अभी दो स्टेट आते हैं, एक है आपका छत्तीसगढ़ और एक है आपका झारखंड। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा हाईली अफेक्टेड में तेलंगाना भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है। तो इस तरह से आप यहां पर वैल्यू एडिशन के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ के 14 जिले हैं जो नक्सली प्रभावित जिला है, वैल्यू एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए, अगला जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में बनेगा भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल। भारत का सबसे बड़ा अभी मानव निर्मित जंगल है असम में, और दूसरा यानी कि ये जब बन जाएगा तो ये भारत का सबसे बड़ा जो है मानव निर्मित जंगल बनेगा। कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जो नंदनी की माइंस है, ये आपका दुर्ग जिले में स्थित है। यहाँ लाइमस्टोन का उत्पादन किया जाता था यहीं से, और अभी भी पिछले साल हमने इस टॉपिक को पढ़ा भी था कि यहां से फिर से उत्पादन शुरू करने के लिए जो है अनुमति दी गई थी। तो नंदनी के लाइमस्टोन माइंस के जो कुछ हिस्सा है वो बंद पड़ा हुआ है, और उस हिस्से में फिर से जो है लाइमस्टोन उत्पादन किया जा रहा है कुछ हिस्से में, और कुछ हिस्से को मानव निर्मित जंगल बनाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। लगभग 885 एकड़ क्षेत्र में यह पूरा प्रोजेक्ट विकसित है। 3 साल लगेंगे अगर इसमें वृक्षारोपण किया जाता है, इसे जंगल के रूप में डेवलप किया जाता है तो 3 साल लगेंगे। हालांकि पेड़ों को तो विकसित होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को 3 साल में कंप्लीट किया जाएगा, और शुरुआत का जो अनुमान लागत है वो 3 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है यहां पर पूरी तरह से इसे जंगल के रूप में विकसित करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, नंदनी के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको यहां पर याद रखना है। तो यहां पर पहले 2200 नियमित रूप से कर्मचारी काम करते थे। यहां पर अगर आप देखोगे तो 100 मिलियन टन लाइमस्टोन अभी भी डिपॉजिट है इस माइंस में, लेकिन उत्पादन बहुत कम हो चुका था, धीरे धीरे खत्म हो चुका था। इसे एशिया का सबसे बड़ा लाइमस्टोन माइन कहते हैं और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लाइमस्टोन माइन है। अब तक यहां से 50 मिलियन टन जो है लाइमस्टोन निकाला जा चुका है। भिलाई इस्पात संयंत्र को डायरेक्ट यहां से सप्लाई होता था। अब इस 100 मिलियन टन जो अभी डिपॉजिट है यहां से भी निकालने का धीरे धीरे काम जो है वो शुरू होगा। 80,000 यहां पर पौधे लगाए जाने का फैसला लिया गया है। 17 किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ होगा। 3 करोड़ रुपए का लागत आने वाला है। जो खाली स्थान पड़ा हुआ है इस माइंस का, यहां पर जंगल विकसित किया जाएगा, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे अगर मान लो कि आपसे यहां पर एनवायरमेंट से रिलेटेड मेंस में किसी प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर वैल्यू एडिशन लिख सकते हो कि जो भी खाली माइंस है, चाहे कोल इंडिया का कोई माइंस हो, चाहे आप एनएमडीसी का कोई माइंस हो, या फिर ये नंदनी का जो लाइमस्टोन का माइंस हो, तो इस तरह से जितने भी माइंस हैं तो उसे रीडेवलप किया जा सकता है। रीडेवलप कैसे किया जा सकता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है, या फिर से पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। तो अगर सरकार इस तरह से पहल करती है तो एनवायरमेंट को संतुलित करने में, पर्यावरण को संतुलित करने में बहुत मदद मिल सकती है। तो इस तरह से आप वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर आप नंदनी माइंस को वहां पर मेंशन कर सकते हो, अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो बिल्कुल करना, अच्छा वैल्यू एडिशन होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला टॉपिक है बेमेतरा में गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट लगाए जाने की बात कही जा रही है। इसके लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया और यहां पर प्रस्ताव को आमंत्रित किया गया है। देखो, हमने 2020 में पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट जो पीपीपी मॉडल पर आधारित किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, वो आपका कवर्धा में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में उसे स्थापित किया जाएगा। अगर आप देखोगे कवर्धा और उसके बाद बेमेतरा, कवर्धा और बेमेतरा में धान की खेती के साथ साथ गन्ने का भी अच्छा खासा उत्पादन होता है, तो यहां पर बहुत अधिक चांसेस है कि गन्ने से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जाए और धान से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जाए। मैं आपको एक डेटा देता हूं, इस आधार पर आप समझ सकते हो कि बेमेतरा और कवर्धा में अगर गन्ने से
एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है तो किस प्रकार से बेनिफिट हो सकता है। देखिए अप्रैल 2019 का यह डेटा है, ठीक 2019 अप्रैल का यह डेटा है। अगर आप देखोगे तो इन दो जिलों में, खासकर बेमेतरा और कवर्धा में, टोटल जो गन्ने की खेती होती है वो लगभग 21,000 हेक्टेयर में, ये 2019 के आंकड़े के हिसाब से है। और अगर यहां पर आप देखोगे कि कितना लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया जाता है तो ये आपका किया जाता है लगभग 21 लाख मीट्रिक टन जो है यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है। और इस एरिया में जितने भी शक्कर कारखाना स्थित है, दो या तीन, तो उस शक्कर कारखाना का जो खपत है वो 8.5 लाख मीट्रिक टन है, यानी कि शक्कर कारखाना इतना खरीद लेता है 21 लाख मीट्रिक टन में से। इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से एथेनॉल उत्पादन का संभावना है या फिर ग्रीन एनर्जी की तरफ छत्तीसगढ़ के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो आप इस, अगर मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो। तो 8.5 लाख मीट्रिक टन खपत हो गया शक्कर कारखाना में। इसके अलावा 8 लाख मीट्रिक टन अलग से जो है जो भी गुड़ का उत्पादन करते हैं उनको दे दिया जाता है, तो शेष यहां पर गन्ना बच जाता है। और बचने से किसानों को रेट मिल नहीं पाता तो किसानों को भी नुकसान होता है। तो ये अगर गन्ना से इस एरिए में एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है तो किसानों को फायदा तो होगा ही, इस एरिए का भी विकास अच्छे से हो सकेगा। और जो गन्ने की बर्बादी होती है, यानी कि जो स्टेट को उससे रेवेन्यू मिलेगा, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में धान के साथ साथ गन्ने से भी प्लांट लगाया जाए एथेनॉल का, इसीलिए यहां पर एक वर्चुअल बैठक का आयोजित किया गया और इसमें प्रस्ताव भी आमंत्रित किया गया। इस बैठक में देश भर के जितने भी गन्ना से रिलेटेड एजेंसियां हैं या फिर जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, फिर एथेनॉल के क्षेत्र में प्लांट लगाने के क्षेत्र में जितने भी संस्थाएं काम कर रही है, इन सभी संस्थाओं को इस क्षेत्र में बुलाया गया था। और इसके बाद कई सारी एजेंसियों ने इस क्षेत्र में एथेनॉल गन्ना से उत्पादन किए जाने हेतु अपनी सहमति दिखाई है, यानी कि रुचि दिखाई है। ठीक है, तो एक अच्छी पहल कह सकते हो, वैल्यू एडिशन के तौर पर आपका काम आ सकता है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, या फिर एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है तो इस क्षेत्र के फायदे के लिए भी बहुत काम आएगा। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है कृषि विज्ञान केंद्र। कोरिया को जो है देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। ये आपका वन डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे अच्छी तरीके से स्टार मार करके नोट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में पुरस्कृत किया गया है, यानी कि सम्मानित किया गया है। यह विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और कृषि विश्वविद्यालय केंद्र कोरिया को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को प्रभावी क्रियान्वयन यानी कि इंप्लीमेंट करने के लिए, इसके अलावा जो भी कृषक है यानी कि जो किसान है उनको उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप विकास हेतु सम्मानित किया गया है। देखिए अगर आप कहोगे कि नरवा गुरवा बाड़ी तो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे सम्मानित किया, तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत में जो भी प्रोग्राम चलाए गए थे, चाहे नरवा के तहत में या फिर गरवा के तहत में, तो बेहतर इंप्लीमेंट किया गया है इस क्षेत्र में इन सारी चीजों को, तो इस क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है, यानी कि प्रॉपर तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप किसानों को यहां पर सिखाया गया है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं, उसे कैसे सही तरीके से बेच सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधि है, तो इस कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया गया है। और इसीलिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया को जो है देश में सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का दर्जा दिया गया है और सम्मानित किया गया है। यह विज्ञान केंद्र कोरिया को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 93 स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों को चौथी बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया और यह जो सम्मान दिया गया है 2020 के लिए दिया गया है। और इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ के जो इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में जो विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, जैसे आपका बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, इसके अलावा कांकेर हो गया, तो इन्हें भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। खासकर आप कोरिया के बारे में याद रखिएगा कि कोरिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इस विज्ञान केंद्र के द्वारा इस कंपनी को जो है स्थापित किया गया था, जिसके बाद इस जो संस्था है यानी कि यह जो कंपनी है, इससे बहुत सारे कृषक लोग जुड़े यानी कि किसान लोग जुड़े और अपने फसल के उत्पादन के बारे में बेहतर उन्होंने प्रबंधन किया और इसके अलावा बेचने का भी जो काम है वो इस कंपनी के जरिए बेहतर प्रबंधन के साथ में हो सका, इसलिए इसे जो है भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ मिलेट उत्पादन यानी कि बाजरा उत्पादन में इनपुट सब्सिडी देने वाला
इनपुट सब्सिडी का मतलब है समर्थन मूल्य देने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का एकमात्र देश है। मिलेट उत्पादन यानी कि बाजरा उत्पादन से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे आप देख लीजिए। तो कोदो कुटकी भी इसे कहते हैं बाजरा को, या फिर आप इसे मिलेट भी कह सकते हैं या फिर बाजरा भी कह सकते हैं। तो समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए निर्णय इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत शामिल किया गया था। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के अलावा 13 अन्य फसलों को भी शामिल किया गया था इस स्कीम में इनपुट सब्सिडी देने के लिए। तो उसमें एक आपका ये भी था कोदो कुटकी, यानी कि रागी भी इसे कह सकते हो या फिर बाजरा भी कह सकते हो, तो इसे भी शामिल किया गया था। और इसे वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की तैयारी भी शुरू की गई है, यानी कि इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके, किसान इसके प्रति प्रोत्साहित हो सके, इसीलिए एक अलग से इसके लिए सिर्फ मिशन भी शुरू किया गया है। और मिशन किसके तहत शुरू किया गया है, इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करके। देखिए अभी 3000 पर क्विंटल इस पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि फैसला लिया गया कि 3000 रुपए पर क्विंटल दिया जाएगा। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9000 रुपए पर एकड़ यहां पर इनपुट सब्सिडी यानी कि समर्थन मूल्य भी दिया जाएगा। एक पॉइंट यहां पर याद रखिएगा कि अगर धान की जगह इस बाजरे का उत्पादन किया जाता है तब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस 9000 रुपए की जगह 10000 रुपए जो है इनपुट सब्सिडी यानी कि समर्थन मूल्य दिया जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान से रखिएगा, और खासकर जो है बस्तर और आदिवासी अंचल में इस तरह का उत्पादन बाजरे का बहुत अधिक होता है, और इन जिलों में इसका उत्पादन जो है प्राकृतिक रूप से किया जाता है, तो इसीलिए इस जिले में खासकर इसका बढ़ावा दिया जा रहा है। सरगुजा के भी कुछ हिस्से में इसका उत्पादन किया जाता है, राजनांदगांव के भी कुछ हिस्से में इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन खासकर बस्तर में ज्यादा फोकस है। अगला जो टॉपिक है बालिका शिक्षा अभियान 2021 से रिलेटेड है। स्कूल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह शुरू किया गया कैंपेन है बालिका शिक्षा अभियान। इस शिक्षा के तहत इसका एक टैग है, इस अभियान का हर कदम बेटी के संग लीडरशिप की तरंग है। और इस इनिशिएटिव के तहत में जितने भी परिवार हैं उन्हें यह संदेश दिया जाता है कि अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए पूरा सहयोग प्रदान करें, यानी कि बेटी को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार से अगर कार्य करना हो तो वो आप सहयोग करें सरकार का। और स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा जो है परियोजना विजयी की बालिकाओं के लिए वर्ष में दो बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका, जिस पत्रिका का नाम है गपशप पत्रिका, के माध्यम से संदेश दिया भी दिया गया है। अब ये गपशप पत्रिका क्या है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो अटेंड किए होंगे उस क्लास को। गपशप पत्रिका बालिकाओं के लिए शुरू की गई एक पत्रिका है जिसे साल में दो बार रिलीज किया जाता है। इसमें पढ़ने लिखने के तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आप अपने आप को स्किल डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, तो इन सारे बालिकाओं के ऊपर में बनाई गई एक पत्रिका है जिसका नाम दिया गया है गपशप। और इस पत्रिका को रिलीज किया जाता है परियोजना विजयी के तहत। तो ये परियोजना विजयी क्या है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बालिकाओं को उनमें स्किल डेवलप करने के लिए, खासकर बालिकाओं में परियोजना विजयी के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो परियोजना विजयी चल रहा है उसके तहत बालिकाओं को में स्किल डेवलप करने के लिए यह परियोजना विजयी चलाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी जुलाई 2015 में, 16 जुलाई 2015, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और परियोजना विजयी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में टोटल 179 बालिकाओं के लिए आवासीय संस्था यानी कि गर्ल्स हॉस्टल है, और यहां पर जीवन कौशल के विकास पर एक कॉमिक श्रृंखला, हम लोग बचपन में कॉमिक पढ़ा करते थे ना, उसी की एक श्रृंखला शुरू की गई है ताकि वो इससे जो है सूझबूझ का चश्मा नामक कॉमिक रिलीज किया गया है। तो इस कॉमिक के माध्यम से अपने अंदर सूझबूझ को पैदा करें, उनके लिए क्या सही है उनके लिए क्या गलत है इस कॉमिक की मदद से सीख सकते हैं। और खासकर ये जो कॉमिक है कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बालिकाओं के लिए, इसे 6वीं से 8वीं तक के बालिकाओं के लिए परियोजना विजय के तहत इस कॉमिक को लॉन्च किया गया है। चलिए क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक है आंगन व शिक्षा कार्यक्रम। कोरोना का सेकेंड वेव
लगभग जा चुका है, अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है साइंटिस्ट की तरफ से थर्ड वेव भी आ सकता है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने खासकर छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है। उस इनिशिएटिव का नाम है आंगन में शिक्षा कार्यक्रम। बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, तो पिछले साल क्या हुआ, जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया तो कुछ परिवारों द्वारा या फिर कुछ महिलाओं द्वारा जो है खुद से आंगन में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि बच्चे जो है घर में ही पढ़ें अपने परिवार के देखरेख में। तो अब सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया है, खासकर जो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए, कि वो घर में ही रहकर अपने माँ बाप के देखरेख में पढ़ें। और ये स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसका नाम है आंगन में शिक्षा, ठीक, खासकर छोटे बच्चों के लिए है। अगला टॉपिक है वैल्यू एडिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मंत्रालय बहुत सारे बदले गए, बहुत सारे नए मंत्रियों को उसमें शामिल किया गया, जिसमें महिलाओं का अच्छा खासा योगदान रहा, यानी कि लगभग 7 से 8 जो है महिलाएं मंत्री बनी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट जो है फिर से एक बार चर्चा में बन गया पार्लियामेंट में, वुमेन का जो मेंबरशिप है बढ़ने के बाद। तो छत्तीसगढ़ में भी आपको याद होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा सीटों में से 14 महिलाएं हैं। अगर आप देखोगे परसेंटेज तो ये आपका हो जाता है 14.4% और ये देश में सबसे ज्यादा है, यानी कि विधानसभा में महिलाओं की जो भागीदारी है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ के साथ एक और राज्य है हरियाणा, इन दोनों के पास 14.4% भागीदारी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की कहीं भी बात हो तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल जरूर दीजिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की स्थिति का एग्जाम्पल जरूर दीजिए। इसके अलावा एक और वैल्यू एडिशन कर सकते हो, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अभी प्रेजेंट टाइम पर टोटल जजों की संख्या 14 है, इसमें भी 2 महिलाएं हैं, तो ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो। हालांकि जब 2018 में चुनाव हुआ था तो छत्तीसगढ़ में जो महिला विधायकों की संख्या थी वो 13 था, उसके बाद देवती कर्मा एक नई विधायक बनी, उसके बाद संख्या जो हो गया 14 हो गया। तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो कि पूरे देश भर में जितने भी राज्य हैं और महिलाओं का अगर प्रतिशत देखें विधानसभा में भागीदारी का, तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे। तो वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक पॉजिटिव न्यूज जो है आप वैल्यू एडिशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। PDF आपको मिल जाएगा कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से, तो आप वहां जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, और कल नहीं परसों और फिर एक दिन गैप करके 2 दिन आपको मई और जून महीने का नेशनल करेंट अफेयर अवेलेबल करा दूंगा। लेट हो गया है लेकिन मई और जून का फटाफट करा दूंगा, इसी हफ्ते करा दूंगा दोनों, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।